हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 8 नाटक के अंतर्गत महाभोज नाटक के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। सामान्यतः मन्नू भंडारी को कहानी लेखिका के रूप में ही सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई और कहा जाता है कि थोड़े समय में ही उन्होंने नए कहानीकारों में विशिष्ट स्थान पा लिया। हिंदी कहानी साहित्य के विकास में मन्नू जी का योगदान निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण रहा है। उनकी प्रकाशित कृतियों को देखते हैं। कहानी संग्रह में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, आँखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक। उपन्यास में आपका भंटी, महाबोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान और कलवा, एक कहानी यह भी। पटकथाएँ में रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। नाटक में बिना दीवारों का घर। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। उपन्यास में अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। आइए इस उपन्यास के उद्देश्य को देखते हैं। मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास में समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण करते हुए अपने दृष्टिकोण का संकेत भी किया है। महाभोज का उद्देश्य बहुमुखी है। वह काल्पनिक ना होकर यथार्थ ही जान पड़ता है। सामान्यतः महाभोज को राजनैतिक उपन्यास कहा जाता है और उसमें समकालीन राजनैतिक परिस्थितियों का प्रसंगानुसार चित्रण भी किया गया है। आज के युग में चुनाव एक आवश्यक राजनैतिक प्रक्रिया है। प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से इस चुनाव के बीच मानवीय त्रासदी, करुणा और पीड़ की नियति की सच्चाई को अभिव्यंजित करने का सशक्त प्रयास लेखिका ने किया है। राजनीतिज्ञों की ऊपरी महानता, औदात्य तथा गंभीरता भरे खेल के अंदर से उनकी जो घिनौनी तस्वीर उभरती है वह छोटे से छोटे ब्योरे के माध्यम से उभरी है। आइए इस उपन्यास के पात्रों को देखते हैं। विशेषर उर्फ बीशु मुख्य पात्र, हीरा, बीशु के पिता, बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा, रुक्मा, बिंदा की पत्नी, दास साहब, मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय का प्रभारी, सदाशिव अत्रे, सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष, जोरावर, स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी, सुकुल बाबू, सत्ता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और सरोहा गांव की विधानसभा सीट के प्रत्याशी, लखन सिंह, सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी, दास साहब का विश्वास पात्र, लोचन भैया, सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया, सक्सेना, पुलिस अधीक्षक, दत्ता बाबू, मसाल समाचार पत्र के संपादक। आइए इस उपन्यास के कथावस्तु को देखते हैं। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है कि लेखिका मन्नू जी की कलम चेतना, नारी प्रेम और संपूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत रही है। यह उनकी लेखनी का एक ऐसा संदर्भ है जिसने उन्हें न केवल अपनी अलग पहचान दी है अपितु अच्छी शोहरत के साथ साथ सुप्रसिद्ध कथाकार के सम्मानीय सिंहासन पर बिठाया है। प्रस्तुत उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जो राजनीतिक के संदर्भ और उससे संबंधित बोध को वाणी देता है। वैसे राजनीतिक और साहित्य सृजन का कोई मेल नहीं है, किंतु इन दोनों का किसी न किसी रूप में संबंध अवश्य रहा है और यह संबंध कोई नया नहीं है बल्कि ऐतिहासिक एवं अति प्राचीन है। यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत की राजनीति अपने ही रूप में उभरी है, किंतु उसका व्यवस्थित और संतुलित रूप उसे नहीं मिल सका। आज हमारी राजनीति निरंतर विकृत होती जा रही है और उसके धर्मनीति रूप ने स्वार्थ नीति का रूप धारण कर लिया है, जो भ्रष्टाचार व अवसरवादिता का प्रतीक बन गई है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास भी इसी राजनैतिक चेतना से मंडित और वर्तमान राजनीति का सच्चा दस्तावेज है। यह उपन्यास हिंदी की उपन्यास धारा में
एक नए मोड़ की तरह है जो हिंदी में आमतौर पर लिखे जाने वाले उपन्यासों से एकदम भिन्न प्रतीत होता है। हमारे देश के आज के राजनीतिक वातावरण की दुविधापूर्ण झकझोर देने वाली सच्चाई का खुला ब्यौरा मन्नू भंडारी के इस उपन्यास में पहली बार पढ़ने को मिलता है। इस उपन्यास में गरीब खेतीहार मजदूरों और गांव की अधिकांश जनता के निर्मम शोषण पर तुली राजनीति के दोगले अगुओं, उनके पुट्ठुओं और चमचों का वास्तविक एवं सटीक चित्रण हुआ है। विश्वास से कहा जा सकता है कि देश के अभावग्रस्त वर्गों को सदा से त्रस्त करते आए घिनौने आतंक से पर्दा उठाने वाला यह पहला साहसपूर्ण उपन्यास है। गरीबों के लिए झूठे आंसू बहाने में निपुण मगर मच्छानुमा नेताओं द्वारा लगाए गए खोखले नारों के पीछे के कुत्सित षड्यंत्रों और दमघोटू स्थितियों की निर्भीक चीरफाड़ इसमें हुई है। उपन्यास का प्रारंभ सरोहा गांव, जो कि शहर से लगभग 20 मील दूर है, उसमें आगजनी की घटनाओं से शुरू हुआ है। भले ही उपन्यास के प्रारंभ में विशेषर की लाश का उल्लेख किया गया है, किंतु इससे पहले की आगजनी की घटना से ही कथा का प्रारंभ माना जा सकता है। पहले तो गांव में जो घटनाएं घटित होती थी उनका शहर से कोई संबंध नहीं माना जाता था, किंतु अब स्थिति बदल गई है और इसी कारण गांव में घटित घटनाएं भी शहर में खलबली मचा देती है। एक महीने पूर्व गांव की सरहद के पास वाले हरिजन टोला की झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी और उनमें रहने वाले लोग भी जलकर राख हो गए थे। गांव वालों ने थाने में रिपोर्ट करानी चाही, किंतु थानेदार के छुट्टी पर होने के कारण रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकी। परिणाम स्वरूप गांव वाले गुस्सा और नफरत लेकर तनावग्रस्त हो गए। जब यह समाचार शहर में पहुंचा, तब वहां से बहुत से नेता, मंत्री और अखबार नवीस गांव पहुंचे तथा उन्होंने अपने रूंधे हुए गले और गीली आंखों से दुख प्रकट किया, लोगों को सांत्वना प्रदान की और समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने राख हुई झोपड़ियों के फ़ोटो खींचकर अखबारों में प्रकाशित करा दिए। सरोहा गांव में हुई आगजनी की घटना यूं ही समाप्त नहीं होती है। विरोधी दल के नेताओं ने विधानसभा में इस घटना को लेकर काफ़ी हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानी में डूबकर अपने अवरुद्ध कंठों से दुख व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया। सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी अपने ही मंत्रिमंडल के लोगों से इस घटना पर विरोध व्यक्त किया। असंतोष और आक्रोश बढ़ता गया और पार्टी के माथे पर इस घटना को कलंक मानकर मुख्यमंत्री महोदय से त्याग पत्र की मांग की गई। उधर मुख्यमंत्री ने यह अनुभव किया कि उन्हें भी वास्तविक अपराधी का पता लगाकर उसे सजा दिलवानी चाहिए। ऐसा करके ही उनकी आत्मा भार मुक्त हो पाएगी और वे हल्का अनुभव करेंगे। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत सरोहा गांव के थाने के दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। बस्ती की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई कि एक दिन सरोहा गांव में सुबह के समय एक गरीब युवक विशेषर की लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी हुई पाई गई। विशेषर भले ही कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, एक साधारण व्यक्ति ही था, पर उसकी लाश को लेकर काफ़ी हंगामा मचा। थानेदार ने भी बिना कोई ढील बरते तुरंत मौके पर हाजिर होकर लोगों के बयान के लिए और अंततः विशेषर की लाश पोस्टमार्टम के लिए शहर भेज दी गई। विशेषर की मृत्यु एक मामूली घटना थी, किंतु इस समय यह मामूली घटना इसलिए महत्वपूर्ण हो गई थी कि 1.5 महीने पश्चात ही वहाँ पर चुनाव होने वाला था। यह विधानसभा का उपचुनाव था और केवल एक सीट के लिए था, इसलिए भी घटना का महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक था। चुनाव ना होता तो ऐसी घटनाओं पर कोई ध्यान भी ना देता। फिर इसलिए भी ध्यान देना पड़ा कि उसी क्षेत्र से पहले 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे सुकुल बाबू भी विपक्ष के नेता रूप में चुनाव में खड़े थे। इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाली धूल के बादल कई दिनों तक मंडराते रहे।
नेताओं ने गीली आंखों और रुंधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबार नवीस आए तो दनादन तो उस राख के ढेर की ही फोटो खींच कर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छाप कर घर घर पहुँचा भी दिया इस घटना का सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे खुमारी की अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा देखा। देखते ही विषाद की गहरी छाया फूट गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया शायद। ढेर सारी सहानुभूति और दुख से निपट कर निकला। ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमेनी। कब तक यह सब और चलता रहेगा? और पलना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों जिंदगी की तरह अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। प्रस्तुत उपन्यास महाभोज से अवतरित है, जिसमें लेखिका मन्नु भंडारी ने सरोहा गांव के हरिजन टोला की झोपड़ियों में लगी आग की स्थिति, नेताओं और पत्रकारों के आवागमन तथा उनकी दिखावटी सहानुभूति का वर्णन किया गया है। अगली पंक्ति। बहुत आवेश में हो, दोस्त तुम्हारा नहीं उम्र का है, जरा भी विचलित हुए बिना दास साहब ने कहा और चुप हो गए। लखन टुकुर टुकुर उनका चेहरा ताक रहा था। इस समय वह स्थिति का विश्लेषण चाहता था, अपनी उम्र और आवेश का नहीं। आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक चाहिए और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दास साहब ने जीवन के अनुभवों से निचड़ा हुआ वाक्य उछाला, फिर कुछ क्षण रुक कर हौसला बढ़ाते हुए बोले, आएगा, पद पर बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। प्रस्तुत अवतरण महाभोज नामक उपन्यास से अवतरित है, जिसमें लेखिका मन्नू भंडारी ने दास साहब और लखन सिंह की वार्तालाप को प्रस्तुत किया है। अगली पंक्ति। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं है कि विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आज़ाद रहना ही चाहिए, वे ही तो हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में, बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे जो कतराता है वह दूसरों को नहीं अपने को ही छलता है। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका मन्नू भंडारी ने 3 दिन बाद होने वाली सुकुल जी की मीटिंग के मुद्दे पर होने वाली दास साहब और लखन सिंह के बीच वार्ता का स्पष्टीकरण किया है। अगली पंक्ति। आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा है कि दास साहब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना वह जानता है उस हिसाब से वे इतने निर्लिप्त नहीं रह सकते हैं सारी घटना से जैसे वे इस समय दिखाई दे रहे हैं, और यदि नहीं है तो उसे कुछ बताते क्यों नहीं? उनके चुनाव के दिनों में कैसे जान होकर काम किया था उसने। आज जब उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठ गए। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका ने लेखन की मानसिकता और दास साहब की गंभीरता का वर्णन किया है। अगली पंक्ति। दास साहब केवल यह बातें कहते ही नहीं, अमल में भी लाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनकी हर बात और हर काम में एक जबरदस्त ठहराव है, और इस ठहराव की वजह से ही वे शायद कुर्सी पर ठहरे हुए हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विरोधियों ने और उनके अपने दल के असंतुष्ट लोगों ने जैसी जैसी तिक्रमें की हैं, कभी भी कलामंडी खा गए होते। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका ने मुख्यमंत्री दास साहब के गंभीर व्यक्तित्व और पदानुकूल चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है। अगली पंक्ति। देखो भाई, मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं है। इस राह पर अगर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ, बस फल पर दृष्टि मत रखो। फिर एक क्षण ठहर कर पूछा, पढ़ते हो या नहीं, पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। लखन सिंह का मन हुआ कि उठाकर कोई ऐसा वजनी जवाब दे कि पन्ने पन्ने बिखर जाएं गीता के। अपने चुनाव के दिनों में कैसे हाय तौबा मचा रखी थी, जीत गए तो अब गीता सूझ रही है, पर जब्त कर गया। ढिटाई भले ही कर ले, अशिष्टता करने की हिम्मत आज भी नहीं है। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका
मन्नु भंडारी ने लखन सिंह और दास साहब के बीच हुई वार्ता और दोनों की स्वाभाविक स्थिति को प्रकट किया है। अगली पंक्ति, उन्हें खुद लगने लगा कि राजनीति गुंडागर्दी के निकट चली गई है। जिस देश में देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा रही हो, वहां राजनीति का ऐसा पतन कभी कभी मन में एकदम वैराग्य जगा जाता है। पर राजनीति में जहां तक अपने को धसा लिया, वहां वे निकल भी तो नहीं सकते। निकलने का सीधा अर्थ है हार मान लेना, और जीवन में यही तो एक बात है जिसे कभी मान ही नहीं सकते हैं। प्रस्तुत अवतरण महाभोज के महत्वपूर्ण पात्र सुकुल बाबू की स्थिति को स्पष्ट करता है। राजनीति में आकर सुकुल बाबू ने सब कुछ देखा है, समझा है, और वे राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी बन गए हैं। सुकुल बाबू की इसी विशेषता को स्पष्ट किया गया है। अगली पंक्ति, मजमा ठीक ही जुड़ गया का भाव चेहरे पर संतोष की हल्की सी परत पोत गया। बस सारा आयोजन शांति से हो जाए और उसकी बात लोगों तक पहुंच जाए। इस घटना से लोगों के दिमाग उस जमीन जैसे हो रहे होंगे जो वर्षा के स्पर्श मात्र से फूट पड़ने को तैयार रहती है। आज वे ऐसी वर्षा करके जाएंगे कि फसल उनके हिस्से में ही पड़े। मन ही मन उन्होंने अपनी उंगली में पड़े नीलम को प्रणाम किया और मत चूके चौहान के भाव से माइक संभाल लिया। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका ने चुनाव जीतने के लिए सुकुल बाबू द्वारा आयोजित आम सभा से पूर्व सुकुल बाबू की स्थिति का वर्णन किया गया है। अगली पंक्ति, मैं मानता हूं कि हमसे गलतियां हुई है, आपने दिखा दी हमने और हमने मान ली, क्योंकि जनता कभी गलती नहीं करती है। इस सरकार ने आपकी सुख शांति उन्नति और समृद्धि के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए। हम आश्वस्त हुए क्योंकि जनता के कल्याण में ही हमारा सुख है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने सुकुल बाबू के भाषण का चित्रण किया है। अगली पंक्ति, मैं तो भाई कबीर के दोहे का कायल हूँ कि निंदक नियरे राखिए, प्रशंसक से निंदक ज़्यादा हितैषी होता है, हमेशा आपको सतपथ पर रखता है। आदमी एक बार इस गुण को समझ ले तो हमेशा के लिए भटकने से बच जाए। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका ने दास साहब और दत्ता साहब की स्थिति को स्पष्ट किया है। अगली पंक्ति, दुहाई गरीबों की सब देते हैं पर उनके हित की बात कोई नहीं सोचता। जनता को बांट कर रखो, कभी तो जात की दीवारें खींचकर, कभी वर्ग की दीवारें खींचकर जनता का बटा बिखरापन ही तो स्वार्थी राजनेताओं का शक्ति का स्रोत है। कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? दत्ता बाबू ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला। बेचारे समझ ही नहीं पाए कि किन शब्दों में दास साहब की इन ऊँची ऊँची बातों का समर्थन करें। पर दास साहब को उनके समर्थन की अपेक्षा भी नहीं थी। गहरी निष्ठा से उपजी हुई बातें बाहरी समर्थन की मोहताज नहीं होती। कभी कभी पराकाष्ठा में दास साहब दार्शनिक हो जाते थे, लेकिन मैं क्यों किसी के विवेक अविवेक पर टिप्पणी करूं? बस अपने कर्तव्य पर चल सकूं और अपनी आत्मा की आवाज़ को कभी अनसुना ना करूं, यही बहुत है मेरे लिए। गीता से एक यही तो सीख ली है मैंने। प्रस्तुत गद्यावतरण में दास साहब और पत्रकार दत्ता साहब की वार्तालाप का स्पष्टीकरण है। दास साहब शिक्षा देते हुए दत्ता साहब से कहते हैं कि पत्रकारों को वही कहना चाहिए जो सत्य हो। अगली पंक्ति, केवल लोचन भैया ही नहीं, दास साहब के मंत्रिमंडल से और भी अनेक विधायक असंतुष्ट हैं और असंतुष्ट के अपने अपने कारण हैं। वैसे ईमानदारी की बात तो यह है कि असंतोष का सिलसिला मंत्रिमंडल बनने के पहले ही दिन से प्रारंभ हो गया था, परंतु इस समय परिस्थिति की मांग ऐसी थी कि सबने अपने अपने चेहरों पर स्नेह सद्भावना संतोष और एकता के मुखौटे चढ़ा लिए थे और आदर्शों के लबादे ओढ़ लिए थे। असंतोष भीतर अपने लिए और बाकी सब बातें बाहर दूसरों के लिए। घटनाएं कुछ इस तरह से घटती रही कि मुखौटों पर दरार पड़ने लगी।
और लबादों की चिथड़े बिखरने लगे। बीसू की मौत ने तो जैसे चकनाचूर ही कर दिया था इन मुखौटों को। इतने दिनों में कसमसाते सबके चेहरे सामने लाते आते चले गए, अपने पूरे नंगेपन के साथ असंतोष से पूते हुए और कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर। कल रात को 2 बजे तक इन्हीं नंगे असंतुष्ट चेहरों की ऐसी आवाजावी कोठी पर मची रही कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घटने जा रहा हो, और अब सचमुच घटा कर ही चलेंगे लोचन भैया। उनके भीतर 5 साल पुराना लोचन जाग चुका है इस समय। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखिका मन्नू भंडारी ने बताया कि दास साहब के मंत्रिमंडल में अनेक लोग थे और परिस्थितिवश ऐसे लोगों की संख्या अधिक थी जो दास साहब से असंतुष्ट थे। असंतुष्ट के अनेक कारण थे, अपना अलग कारण था और उनमें से कुछ कारण सामान्य और एक जैसे थे। विशेष कारणवश ये असंतुष्ट नेता अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, किंतु अब ऐसा लगने लगा था कि ये सभी असंतुष्ट नेता विद्रोह पर उतारू होने जा रहे थे। उनमें से लोचन भैया भी एक है। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में असंतुष्ट विधायकों की स्थिति, उनके कारणों को स्पष्ट किया गया। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचते कैसे? लोचन बाबू का दिमाग तो इस समय भट्टी बना हुआ था, सो अप्पा साहब की इतनी महत्वपूर्ण बात भी उसमें भून कर राख हो गई। उनके उठाए प्रश्नों को मन में उतारने की बजाय लोचन बाबू ने अपनी तरफ से उसी तर्ज का एक प्रश्न जड़ दिया। मजदूरों को सरकारी रेट पर मजदूरी ना मिलना, आदमियों को जिंदा जला दिया जाना, दिन पर दिन बढ़ते हुए अत्याचार, असुरक्षा, बीसू की मौत, इन सब से तो 4 चांद लग रहे हैं। वह ना पार्टी की इमेज पर, पार्टी का ध्यान ही किसे रह गया है आज। इस गद्यांश में लोचन बाबू की मानसिकता, उनके अंदर के आवेश और आक्रोश को सटीक शब्दावली द्वारा अभिव्यक्ति दी है। अगली पंक्ति। अपनी कही बातें ना कर पाने का क्षोभ साफ झलक रहा है लोचन बाबू के चेहरे पर भी, उनके स्वर में भी, पर अप्पा साहब पर कोई खास असर नहीं हुआ उस छोबी का। बड़े सहज स्वर में बोले, होता है कभी कभी ऐसा भी, मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है उस समय वही हमारा लक्ष्य होती है, वही हमारा केंद्र। मंजिल पर पहुंचने का माध्यम तो वह बनने के बाद ही बनती है। प्रस्तुत अवतरण में लोचन बाबू के क्षोभ और उसके कारण उनके बदले हुए स्वर को शब्दबद्ध किया गया है। लेखिका ने यह भी बताया है कि लोचन बाबू के क्षोभ का कोई प्रभाव अप्पा साहब पर नहीं पड़ा, वे सहज भाव से सारी बातों को सुनकर चुप हो गए। इसी संदर्भ में उपन्यास लेखिका यहाँ लोचन बाबू की स्थिति और अप्पा साहब की मानसिकता को अभिव्यक्त कर रही है। अगली पंक्ति। सारी बात का उपसंहार करते हुए अंतिम बात कह दी लोचन बाबू ने। अप्पा साहब लोचन के चेहरे को देखते रहे, फिर उन्होंने झुककर अपनी छड़ी उठाई और दोनों हाथों से उसे पकड़कर उसे यूं ही ज़मीन पर ठोकते हुए बोले, तुम जिन लोगों के भरोसे त्याग पत्र देने जा रही हो उन पर विश्वास कर सकते हो इतना कि और ज़्यादा प्रलोभन मिलने पर भी वे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। फेंस पर बैठकर हर दिन अपना मोल भाव करने वाले लोगों के बूते पर तुम यह निर्णय ले रही हो, मुझे डर है तुम्हें कहीं मुंह की नहीं खानी पड़े। प्रस्तुत अवतरण में अप्पा साहब लोचन बाबू को समझाते हैं कि इस समय एकजुट होकर हम सभी को चुनाव अभियान में लग जाना चाहिए और पार्टी के हाथ मजबूत करने चाहिए। अगली पंक्ति। बताया गया कि आप लोग बहुत नाराज़ हैं, सुना तो लगा कि तब तो और भी ज़रूरी है कि अकेले आऊं, आप लोगों की नाराज़गी मुझ पर है तो मुझे ही झेलना चाहिए, दूसरों को इसमें साझीदार बनाना तो दूसरों के साथ अन्याय होगा। कुछ समय पहले आप लोगों ने अपना प्यार और विश्वास दिया था मुझे, मैंने सिर आंखों पर ही लिया था उसे, यदि आप आज अपनी नाराज़गी देंगे तो उसे भी सिर आंखों पर ही लूँगा। मेरी गलती पर नाराज़ होना आपका अधिकार है और उसे झेलना मेरा कर्तव्य।
प्रस्तुत अवतरण में दास साहब का भाषण स्पष्ट किया गया है। वे सरोहा गांव में अपनी चुनाव सभा को संबोधित कर रहे हैं। अगली पंक्ति, यह गरीब और अमीर का मामला नहीं, कानून का मामला है, और कानून हाथ में लेने का मतलब है लालच, और लालच मत दो। कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है। आप लोगों ने तो भोगा है उस बादशाह को, जब उस जिसकी मर्जी हुई उसी समय उठाया और जेल में। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई सज़ा नहीं। कानून कब्जे में, पुलिस चंगुल में, जिसको चाहो उठाओ, जिसको चाहो पटको। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका मन्नू भंडारी ने स्पष्ट किया है कि जब दास साहब आम सभा को संबोधित कर रहे थे तो बीच बीच में बिंदा तीखी और कड़वी बातें कर रहा था, किंतु दास साहब ज़रा भी उसकी इस क्रिया से विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। अगली पंक्ति, इस बार देख लिया सबने की जनता की एकता में बड़ा जोर है, तूफानी जोर। तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ देता है। जब जनता को एक हो जाती है तो बड़ी बड़ी राज्य उलट देती है। फीका हुआ व्यक्ति ही इस बात को अच्छी तरह महसूस करता है। कुर्सी पर बैठना है तो जनता में फूट डालो, कुर्सी बचानी है तो जनता में फूट डालो। जनता की एकता कुर्सी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रस्तुत गद्यावितरण में लेखिका मन्नू भंडारी ने बताया कि दास साहब बिंदा के जोश की कद्र करते हैं और इस भावना को उचित बताते हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि उनकी नज़र में आलोचकों और विरोधियों का सम्मान है। अगली पंक्ति, बहुत क्रोध और साहस है इस नौजवान में। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इसका यह तेवर, जिस गांव के नौजवानों में यह गुण है, गुण हो, वहां किसी प्रकार का जोर जुल्म और अन्याय चल ही नहीं सकता है। अपने गरीब भाइयों का हमदर्द लगता है मुझे तो। ऐसे निर्भीक और उत्साही नवयुवकों की आवश्यकता है इस योजना के लिए। मैं चाहता हूं कि घरेलू उद्योग योजना को आप खुद ही संभालें, आप लोग ही चलाएं। कितना बड़ा सपना था बापू का कि हमारा हर गांव, हर ग्रामीण आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, समर्थ बने। आज इस सपने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है, परंतु पूरा तो यह आप लोगों की मदद, आप लोगों के सहयोग से ही होगा। मैंने पहल कर दी, अब पूरा आप कीजिए। प्रस्तुत अवतरण में दास साहब बिंदा के साहस और जोश की कद्र करते हैं, अपनी उस स्थिति को संभालने का प्रयास करता है जिसे बिंदा भड़काना चाहता है। अगली पंक्ति, उसका कहना था कि पूरे का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। मामूली जुर्म करने वाला सजा पा गया, और असली मुजरिम के खिलाफ कुछ भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं। एक क्षण ठहर कर बात पूरी की महेश ने। बस इसी को लेकर वह तिल मिला रहा था। उसका कहना था वह थोड़े से आदमियों के मरने भर की ही बात नहीं है। महेश बाबू, समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया है। 8 महीनों तक रात दिन समझा कर इस लायक बना दिया था कि छाती ठोक कर अपना हक मांग सके। अब बहुत दिनों तक ये लोग अपना लड़ने का हौसला नहीं जुटा पाएंगे। प्रस्तुत गद्यावितरण में दास साहब ने विशेषर की हत्या की जांच के लिए आदेश दिए हैं, और SP सक्सेना जांच के लिए गांव में जाते हैं। वे लोगों के बयान लेते हैं, जिनमें महेश बाबू भी हैं, जो शहरी लिबास में हैं। वे दिल्ली से रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव आते हैं। उनका रिसर्च वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष है। महेश शर्मा विशेषर के काफ़ी निकट का व्यक्ति रहा है। अगली पंक्ति, केवल नाराज़ ही नहीं, लड़ता था हमसे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग तमाशबीन बनकर बैठे रहेंगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा। जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म होता हो, वहां कोई कैसे अलग अलग बैठकर खाली कागज़ पोतता रह सकता है। एकाएक महेश की आवाज़ भड़रा गई, किंतु जल्दी ही अपनी बात साध कर उसने अपनी बात पूरी की। अपनी मजबूरी हम उसे कभी नहीं समझा सके।
प्रस्तुत अवतरण में लेखिका मन्नू भंडारी ने गांव में रिसर्च कर रहे महेश शर्मा के बयानों का खुलासा किया है, क्योंकि विशेषर और महेश शर्मा नज़दीक ही थे। अगली पंक्ति का कहत सरकार, हाँ महतारी लड़त रही, छोटे छोटे लड़कन का पेट काट के पढ़ाओ, और अब ना कछु करे ना धरे, अब तब हिम्मत रही सरकार, अब हाथ पाँव नहीं चालत है, यही से महतारी बकत रही, कोसती रही, फिर भर्राए गले और रुंधी हुई आवाज़ में कहा, पर जब से गवाह है आँखिन से आंसू नहीं टूटता, रोए रोए के आदि हो ही गई है, सब दिन अपने को कोसत है, दैया रे हम हिन लड़ी लड़ी के अपने बीसू को मारी डाला, दुई दुई रोटिन का तरसाइन दी, बहुत कल्पित है सरकार, बाहर के दुख नहीं देखा जात। प्रस्तुत अवतरण में विशेषर की मौत के बाद एसपी सक्सेना के द्वारा लिए जाने वाले बयानों में बीसू के पिता हीरा का बयान प्रस्तुत किया गया है। अगली पंक्ति, अरे सरकार रौती तो है बिटिया शादी के समय, महतारी का घर छोड़त करेजवा बहुत कसकत है बिटियन का, फिर यही के तो महतारी माही रही सरकार, बाप का घर वही देखत रही, मोह तो होते हैं। प्रस्तुत अवतरण में एसपी सक्सेना विशेषर के पिता हीरा का बयान ले रहे हैं। अगली पंक्ति, सक्सेना कुछ लिखने लगा और थानेदार मन ही मन भुनभुनाने लगा, बयान के नाम पर बूढ़े से पुराण बचवा रहा है, पिछले 4 घंटे से और उसने एक वाक्य बोल दिया तो इशारे से ऐसी लंगी लगाई कि आधी बात मुंह में ही घुट कर रह गई, अपने ही हलके में गीदड़ बनाकर रख दिया इस ससुरे एसपी ने, ऐसे पुचकार कर बयान लोगे तो कहीं अनकहीं सब कहेंगे ही ये लोग, गांव वालों से पाला नहीं पड़ा लगता है इनका, कभी जानते नहीं कि ज़रा सी सह मिलते ही सीधे झोपड़ी पर सवार होते हैं ये लोग, जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं, अभी तो बिंदा जाने और क्या गुल खिलाएगा। प्रस्तुत अवतरण में उपन्यासकार मन्नू भंडारी ने स्पष्ट किया है कि हीरा जो कुछ महसूस करता है वह सक्सेना साहब के सामने बयान के रूप में कह देता है। अगली पंक्ति, सुना है आतंक जमाने वाला पुलिस रवैया नहीं है तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है, मैं कद्र करता हूँ इसकी, इसलिए तुम्हें सौंपा भी गया है यह काम, एक बार फिर से बयान जो लोगों के और इस तरह पेश आओ कि हिम्मत और हौसला जागे लोगों का और वे अपनी बातें कहें बिना झिझक और डर के कहें, हमें लोगों का विश्वास जीतना है। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका मन्नू भंडारी ने बताया कि विशेषर की मौत होने पर एसपी सक्सेना को उसकी जांच के लिए सरोहा गांव में भेजा गया, इसके साथ ही दास साहब ने एसपी सक्सेना को अपने पास बुलाया, लेखिका मन्नू भंडारी ने इसी प्रसंग की पुष्टि की है। अगली पंक्ति, जुर्म एकाएक लपट सी कौंधी बिंदा की आँखों में, जुर्म की पहचान रह गई है आप लोगों को, बड़े बड़े जुर्म आप लोगों को जुर्म नहीं लगते हैं, जिंदा आदमियों को जला दो मार दो यह सब जुर्म नहीं है ना आपकी नज़रों में, आंखों के डोरे सुर्ख हो गए हैं और कनपटी की नसें तनने लगी बिंदा की, रुकमा ने उसके आवेश को कम करने के लिए कसकर उसकी बाँह पकड़ ली, भय से उसका चेहरा सर्द पड़ने लगा, पर सक्सेना के चेहरे पर भी कोई विकार नहीं आया। प्रस्तुत अवतरण में मन्नू भंडारी ने सक्सेना एसपी और बिंदा की बातचीत का वर्णन किया है, एसपी सक्सेना बिंदा का बयान ले रहे हैं। अगली पंक्ति, बिंदा की आंखों में फिर कुछ दहकने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक क्षण रुका बिंदा, सक्सेना एक टक उसका चेहरा देख रहे थे, उसके आवेश को देखते रहे और बिंदा उसी रोश में कहता रहा, और जो जिंदा है वे जी नहीं सकते अपने इस देश में, मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत,
जैसे बिशु को मार दिया गया। सोच सोच कर ही दिमाग की नसें फटने लगती है और सचमुच ही बिंदा के दोनों हाथों से कसकर अपना सिर पकड़ लिया। प्रस्तुत अवतरण में एसपी सक्सेना और बिंदा के बीच का वार्ता का वर्णन किया गया है। इसमें बिंदा स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि थानेदार जो कि जोरावर का रखेल है, उसने रिपोर्ट तैयार कर ली है। दास साहब ने मान लिया है कि विशेषर की आत्महत्या का मामला है और मसाल नामक अखबार में भी छप गया है, किंतु मैं इस बात को मानने के लिए कतई भी तैयार नहीं हूँ। भले ही विशेषर की हत्या की फाइल आपकी और कानून की नज़र में बंद हो गई हो, मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ कि विशेषर ने आत्महत्या की है। जो व्यक्ति ज़िंदगी से इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं बल्कि सबकी ज़िंदगी से, फिर वह आत्महत्या भला कैसे कर सकता है। वह मरा नहीं है बल्कि उसे मार दिया गया है। आखिर उसे मारने वाला कौन है? इसी बात को उजागर करने के लिए बिंदा के शब्दों को प्रस्तुत अवतरण में वाणी दी गई है। अगली पंक्ति। महीनों से क्या होता है साहब, यह तो मन मिलने की बात है। हमको तो खरा आदमी मिल जाए तो एक दिन में ही हम उसके गुलाम हो जाएं। देखने को भी मिलता कहाँ है आजकल खरा आदमी। फिर रुकमा की ओर देखा कर बोला, यह जो औरत है ना साहब, बेहद बदजबान और बदमिजाज औरत है। कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है ऐसी औरत को, पर मैं करता हूँ। बर्दाश्त ही नहीं, आदर करता हूँ साहब। बाहर से भीतर तक कुंदन की तरह खड़ी बिशु की असली चेली है, परंतु कैसी सहम गई है बिशु की मौत के बाद। प्रस्तुत अवतरण में एसपी सक्सेना साहब की वार्ता बिंदा से हो रही है। वे बिंदा और विशेषर की दोस्ती के बारे में जानना चाहते हैं। यद्यपि वे हीरा से जान चुके हैं और उनके बाद बारे में, फिर भी वे इस बात से स्पष्ट हो जाना चाहते हैं कि इतने कम समय में वे इतने करीब कैसे आ सकते हैं। अगली पंक्ति। रुकमा के आंसुओं ने जैसे बिंदा के सारे तैश और आवेश को धो दिया। बहुत ही कातर स्वर में बोला, ऐसा आतंक आपने कहीं नहीं देखा होगा साहब। लोगों के घर जमीन गाय और गाय बैल ही रहन नहीं रखे गए हैं। जोरावर और सरपंच के यहाँ उनकी आवाज़ और जबान तक भी बंधक रखी हुई है, कोई चूँ तक नहीं कर सकता है। उसकी आवाज़ में फिर आक्रोश घुलने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी। गुस्से में वह कह उठा, मन करता है फावड़ा लेकर दो टुकड़े कर दूँ जोरावर के, फिर चाहे फांसी पर लटक जाऊं। प्रस्तुत अवतरण में मनु भंडारी ने सक्सेना एसपी साहब से बातचीत करते समय बिंदा की मनस्थिति का वर्णन किया है। अगली पंक्ति। आदमी जब अपनी सीमा और सामर्थ्य को भूलकर कामना करने लगे तो समझ लो पतन की दिशा में उसका कदम बढ़ रहा है। मूर्ख है दोनों, और चौधरी उसकी क्या औकात भला, जो मिला है उसके लायक भी नहीं है वह तो। मैंने उन्हें 9 बजे आपसे मिलने के लिए कह दिया है, फिर भी एक क्षण रुक कर बोले, लेकिन राम को ज़रूर कुछ ना कुछ देना होगा। मैंने खूब बारीकी से सारी स्थिति देख ली है। बापट और मेहता के आ जाने के बाद भी हमारी स्थिति अधिक मजबूत नहीं हुई है, बल्कि डवाडोल सी ही रहती है। लोचन तो अपनी जगह पर अडिग है ही, उससे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ, राव निकल आता है तो फिर लोचन के पांव तले भी ज़मीन नहीं रहेगी। स्थिति शीशे की तरह साफ कर दी पांडे ने। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका मनु भंडारी ने स्पष्ट किया है कि त्रिलोचन बाबू अपने कुछ विधायकों को साथ लेकर दास साहब के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। उन्हें यह विश्वास है कि उन्हें वे अपने बलबूते पर परास्त कर देंगे। अगली पंक्ति। चाहूँ तो इंक्वायरी भी बिठा सकता हूँ कि रैली के नाम पर पानी की तरह बहाया जाने वाला यह रुपया कहाँ से आया, पर नहीं, यह घटियापन मैं नहीं करूँगा। राजनीति मेरे लिए स्वार्थ नीति नहीं है, और चाहता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। राव का चेहरा बुझने लगा। पाँव कैंची पुख्ता जमीन हुए बिना ऐसी धार नहीं आ सकती थी। दास साहब की आवाज़ में लगता है अपना पक्ष पूरी तरह मजबूत कर दिया है दास साहब ने, तब क्या कहे वह। तुमने अपनी मांग नहीं रखी, बात को वापस लाइन पर ले आए दास साहब।
पर राव सचमुच ही लाइन से उखड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। झिझकते हुए कहा, आप हमें हमारा ड्यू जरूर दीजिए। प्रस्तुत अवतरण में मन्नू भंडारी ने स्पष्ट किया है कि जब मुख्यमंत्री दास साहब मिस्टर राव से बातचीत कर रहे थे तो कौन कौन सी बातें उभर कर सामने आई है। दास साहब अपने ढंग से राव से बात करते हैं और वे यह भी स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि तुम लोग अपने अविश्वास की या असंतोष की बातें करके अपने भाव क्यों बढ़ा रहे हो। राव यह जानता है कि दास साहब का रुख अपने अनुकूल नहीं है, इसलिए अपनी ओर से कुछ ना कहकर सुकुल बाबू की रैली की बात चला दी और कहने लगे कि सुकुल बाबू की रैली बहुत ज़ोरदार है, हमें इस दिशा में भी कुछ करना चाहिए। अगली पंक्ति, सुकुल बाबू की विधानसभा में जन विधायक था तो उसने हवा का रुख भांप लिया था और समझ लिया था कि जल्द ही दिन पूरे होने वाले हैं। अब सुकुल बाबू के झट से त्यागपत्र दिया और विद्रोह की मुद्रा में खड़ा हो गया। बाद में विद्रोह की कीमत वसूल की और यहाँ शिक्षा मंत्री बन गया। अब सुकुल बाबू से मोल भाव हमसे विरोध चल रहा है, इसका जिसने सारे सिद्धांत और आदर्श सारा विद्रोह और विरोध मात्र अपना भाव बढ़ाने के लिए ही, उसके लिए किसी तरह का सम्मान या सद्भाव नहीं रहता मेरे मन में। प्रस्तुत अवतरण में मन्नू भंडारी ने स्पष्ट किया है कि दास साहब के समक्ष राव और चौधरी दोनों बैठे हुए हैं और वे कह रहे हैं यदि दास साहब को अपने पक्ष में करना है तो निश्चित रूप से वित्त विभाग और गृह विभाग अवश्य रूप में मिलना चाहिए। दास साहब उनकी बातें सुनकर पहले तो यह कहते हैं कि देखो तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें आदमी की अभी पहचान नहीं है। दास साहब दोनों को समझाते हैं। अगली पंक्ति, कतई बुरा नहीं माना दास साहब ने राव की इस बात का, बल्कि हंसे, महज विनोद में लिपटी हंसी। अपने साथ रखकर हवा में खूब ऊंचे तक तो नहीं ले जा सकता, पर जहां तक ले जाता हूं वहां खड़े होने के लिए कम से कम पांव के नीचे ज़मीन जरूर देता हूं। मेरे साथ में चलने वालों को औंधे मुंह गिरने का खतरा कतई नहीं रहता है, अब तुम सोच लो। प्रस्तुत अवतरण में मन्नू भंडारी ने स्पष्ट किया है कि दास साहब उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया रूप प्रकट नहीं करते हैं। वे राव की सारी बातें सुनकर केवल विनोद भाव व्यक्त करते हैं और जो कुछ भी वे कहते हैं वह भावानुकूल भी कहते हैं। अगली पंक्ति, आज तक वे भीतरी उबाल और बाहरी दबाव के बीच टुकड़े टुकड़े होकर हमेशा घुटने ही टेकते आए हैं। हर बार दिनेश को लड़ाई के मैदान में ले तो जरूर गए हैं, पर जैसे ही गोलियां चली है वैसे उसे वहीं पर छोड़कर भाग आए हैं। प्रस्तुत अवतरण में मन्नू भंडारी ने स्पष्ट किया है कि सरोहा गांव चुनाव काल के दौरान राजनीति के रंग में सारा वातावरण रंग जाता है। सभी नेतागण बिसेसर की मौत को लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं। अगली पंक्ति, रह सकता है कोई भी आदमी जीवित इस तरह नहीं रह सकते थे, तभी तो एक बहुत बड़ी क्रांति के एक छोटे से वाहक बने थे। पर कैसी हुई यह क्रांति, कहीं से कुछ भी तो नहीं बदला। अब कहां से होगी दूसरी क्रांति और कौन करेगा उस क्रांति को जो सब कुछ बदल दे। आज तो परिवर्तन का नाम लेने वाले की आवाज़ घोंट दी जाती है, उसे काट कर फेंक दिया जाता है। एक तरफ फीके गिने चुने आदमियों के घुटे गले और रूंधी आवाज़ों से क्रांति का स्वर फूट सकेगा अब कभी। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका मन्नू भंडारी ने सामाजिक मौन क्रांति का स्वर व्यक्त करना चाहा है। प्रस्तुत अवतरण में उसी प्रसंग व उपन्यास के अंतिम अंश से संबंधित है। प्रस्तुत अवतरण में पराजित, हताश और निराश त्रिलोचन बाबू की मानसिकता का वर्णन किया है। अवतरण में रेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि जो कलुषित राजनीति का पल्ला पकड़कर आगे बढ़ता है वह औंधे मुंह ज़मीन में आकर गिरता है, जिसका कोई भी साथ नहीं देता है।